अब वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा में भी भगवान ने गाय चराना छोड़ा नहीं। वर्षा के बाद शरद ऋतु आई और शरद के स्वच्छ जल में सरोवर में खिले हुए कमल, उस पर गूंज रहे भंवरे, शीतलमंद सुगंधी चल रही हवा, गायें चर रही थी, सखा सब खेल रहे थे। और तब वृंदावन में वृंदावन बिहारी ने एक वृक्ष के नीचे ठाड़े भए, कमर में जो बांसुरी को रखा था निकाला, आज मन किया, बांसुरी को अपनाया, अधरों से लगाया, कोमल करांगुलियों से बांसुरी के छिद्रों को आच्छादित किया और जब बांसुरी में प्राण फूंके, बज उठी वेणु वृंदावन में। यह वेणु स्वर संगीत बहता हुआ गोपांगनाओं के कान तक पहुंचा। है तो तन से सभी अपने अपने घरों में, लेकिन मन से पहुंची श्री कृष्ण के पास, दर्शन कर रही हैं। कैसे लग रहे हैं? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, लीला शरीर धारण किया, सूर्य के स्वर्ण सा पीला पीतांबर धारण किया है, गले में वैजयंती माला है, कान में कनेर का फूल है, अधरार्पित वेणु वैजयंती माला गले में धारण करे तो चरण तक पहुंचे। आज भी वृंदावन में जाते हो ना बिहारी जी के दर्शन के लिए तो लंबी माला है, चरण तक पहुंचने वाली। वेणु बजा रहे नंद नंदन की कीर्ति का गान कर रहे हैं आसपास खड़े ग्वाल सखा, और वेणु सुन करके गोपियों ने जो गीत गाया वो वेणु गीत है। वेणु गीत के कुछ श्लोकों का गान करें। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामह सख्य पशून अनुविवेश वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। सखी वृंदावन में वेणु बजा रहे नंद नंदन का, जिन्होंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है उन्हीं को नयन का फल मिला है। आंखों का साफल्य इसी में है कि हम इन आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन करें। वन्य संपत्ति से विभूषित, माथे पर मोरपंख का मुगट, गले में वैजयंती माला, गोवर्धन की धातुओं से चित्रित चेहरा, ये श्याम सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं। एक गोपी बोली, सखी वेणु ने क्या पुण्य किया होगा सो कृष्ण को इतनी प्यारी है।
गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुममुचुस्तरभूय कार्या। क्या पुण्य किया होगा इस वेणु ने, कन्हैया जब देखो अपने साथ ही लेकर घूमते हैं इसको, अपने से अलग करते ही नहीं, और जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने अधरों से लगाते हैं, और जिस अधरामृत जो अधरामृत हमको भी दुर्लभ है वो उसको पिलाते हैं। क्या पुण्य किया होगा। एक बोली, बहुत तप किया है उसने। बांस के रूप में जंगल में थी, वर्षा ठंडी गर्मी सब कुछ उसने सहन किया। फिर गया एक बार वेणु बनाने वाला जंगल में, बांस को काट के ले आया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, वो भी उसने सहन किया। फिर गरम गरम लोहे से उसके अंदर छिद्र किया, वो भी उसने सहन किया। क्यों इतना कुछ क्यों सह रही है। बस एक ही बात, कन्हैया मुझे अपनाएं और कभी अपने अधरों से लगाए। आज उस तपस्या का फल मिला है उसको, बड़ी भाग्यशाली। एक गोपी बोली, सखी ऐसी कठिन तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, फिर भी उनको ये लाभ नहीं मिलता। ये वेणु इतनी प्यारी है कन्हैया को, उसका कारण हमको तो कोई और ही लग रहा है। क्या बोले, पोली है ना, उसके पेट में कोई पाप नहीं, कचरा नहीं, पोली है, इसलिए कन्हैया को प्यारी है। जो निष्कपट लोग होते हैं ना, जिनके भीतर कोई कपट नहीं है, भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। एक गोपी बोली, नहीं नहीं सखी, हमको तो लगता है भाई छिद्र तो देखो सब में होते हैं, कमियां सब में होती हैं, दोष तो सभी में होते हैं, वेणु में भी छिद्र हैं, लेकिन उसने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं, अपने कन्हैया के सामने खोल के रख दिया कि मुझ में इतने छिद्र हैं। बस वही बात कि हमारे में दोष तो हों, कमियां तो हों, छिद्र तो हों, लेकिन हम अपने प्रभु के सामने उन छिद्रों को छुपाएं नहीं, नहीं तो वही कपट है, वही दंभ है। हम अपने छिद्रों को यदि ठाकुर के सामने खोल के रख दें कि प्रभु मुझ में इतने छिद्र हैं, इतनी कमियां हैं, मुझ में इतने दोष है, तो भगवान उन्हीं छिद्रों से सुंदर संगीत पैदा करेंगे। एक गोपी बोली, सखी नहीं नहीं हमको तो ये लगता है कन्हैया जब बुलाते हैं तब ही बोलती है, जैसा बुलाते हैं वैसा ही बोलती है, और जितना बुलाते हैं उतना ही बोलती है, इसलिए कन्हैया को प्यारी है। वो अपना कुछ नहीं बोलती, पूर्णतया श्री कृष्ण की हैं, कृष्ण के अधीन हैं, इसलिए कन्हैया को प्यारी। एक गोपी बोली, ठीक है प्यारी है तो ठीक है प्यारी है, लेकिन बोलती क्यों रहती है, न सोती है न हमको सोने देती है। अरे बांसुरी तो है, नींद क्यों नहीं आती, कितनी सुविधा है तेरे। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सेज बिछावती हैं, ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सेज बिछावती हैं। कन्हैया के होठ तेरा तकिया है, वहां तूने सिर रखा है बांसुरी, और कन्हैया के हाथ तेरा ढोलिया है, उसमें तुझे सुलाया है। कन्हैया के नाक का मोती तेरे ऊपर छत्र है, और कन्हैया की पलकें जो उठ रही हैं गिर रही हैं तो तुए पंखा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बांसुरी बजा रहे हैं तो अंगुरेत दबावत पाई जे ही, तेरे पांव दबा रहे हैं मानो कि सो जा सो जा सो जा। फिर भी बन बांसुरी मोदन पावती है, अरे बांसुरी फिर भी तू खुश नहीं है,
न सोती है न हमको सोने देती है। एक गोपी बोली, सखी मैं तो वृंदावन के इन मोर जो नाच रहे हैं उन्हें देख रही हूं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बु जलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रिसान वपरतान्य समस्त सत्वम। सखी कन्हैया वेणु बजा रहे हैं और ये वृंदावन के मोर पंख फैलाए नाच रहे हैं। एक तो मोर है ही सुंदर पंखी और उसमें जब पंख फैलाए नाच रहा हो और वो भी कन्हैया की बांसुरी की तान पे, आहा बड़ा प्यारा लग रहा है। सखी तो पता है ये कन्हैया इस मोर के पंख को अपने सिर पे क्यों धारण करते हैं? सुन मुझसे, एक बार ऐसा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे और ये मोर पंख फैलाए नाच रहा था। तो नाचता हुआ मोर आगे आगे और बांसुरी बजाते कन्हैया पीछे पीछे, जैसे लग रहा था कि यह मोर कन्हैया को बुलाने के लिए आया है कि चलिए मेरे साथ एक जगह ले चलता हूँ, बढ़िया सा परिचय कराता हूँ। नाचता हुआ मोर आगे आगे बांसुरी बजाते हुए कन्हैया पीछे पीछे ले आया मोर एक सरोवर के पास। प्रेम सरोवर है वहां, उस वक्त राधा जी आई थी जल भरने, और जब जल भर करके वो जा रही थी वो मोर वहां ले आया कन्हैया को और मुलाकात कराई, मिलिए इनसे, यह है वृषभान दुलारी श्री राधा। और कन्हैया बांसुरी बजाते हुए पीछे पीछे गए और पहली बार राधा जी को देखा, पहली दृष्टि पड़ी। क्या हुआ? जब देखी वृषभानुजा तो ही अभी चूठी हुक बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूक। दिल में कुछ हुआ, बंसी यूं ही अधरों पे धरी रह गई, फूक मारना ही भूल गए, स्थिर हो गए कन्हैया। और वहां राधा जी की क्या दशा? राधा जी ने भी देखा कि सखियों से जिनके विषय में बहुत सुन रखा था वो आज अचानक इस प्रकार अकेले में सामने आकर खड़े हो गए, सपने में भी सोचा नहीं था। और फिर इस तरह से देख रहे थे कन्हैया अनिमेष नयनों से, अंग्रेजी में कहना हो तो कृष्ण वॉज स्टेयरिंग एट राधा। तो राधा का शर्माना लाजिमी था, शर्माई, और उसने शर्म के मारे अपना घूंघट खींचा, और जब घूंघट खींचा तो माथे पे मटकी थी। तो क्या हुआ? मटकी भर राधे जमुना तट की बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, मटकी मही थी रटना नटकी वो आन मिले तो परी अटकी। साहित्य देखो, मटकी भर राधे जमुना तट की बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, राजा की जुल्फें गले पर लटक रही हैं। मटकी भर राधे जमुना तट की बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, मटकी मही थी रटना नटकी घटकी, मटकी में भी उसी नटकी रटना थी, उसी का चिंतन चल रहा था, जिसको याद कर रही थी वही अचानक सामने आकर खड़े हो गए। मटकी भर राधे जमुना तट की बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, मटकी मही थी रटना नटकी वो आन मिले तो परी अटकी। रुक गई राधा, लेकिन देखा कि कन्हैया अनिमेश नयनों से देख रहे हैं तो शर्माई, घूंघट खींचा, अटकी न रही गति घूंघट की। और जब घूंघट खींचा तो क्या हुआ? बोले दाद शिर से डार दी मटकी तो कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। मूढ़ मतयो विहरिण्येता
यानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम ददुर विरचिताम प्रणयावलोकै। मैं तो देख रही हूं वृंदावन की उन मुर्गियों को जो श्री कृष्ण की वेणु सुनकर के मधुर संगीत सुनकर के मुग्ध हो जाती हैं और प्रणयावलोकन करती हैं, देखती हैं कृष्ण को। वो मुर्गियां अपने कृष्ण सार नाम के मृगपति के पास खड़ी हैं और देख रही हैं अनिमेष नयनों से प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को, मानो वे मुर्गियां अपने नयनों से श्री कृष्ण की पूजा कर रही हो। प्रेम पूर्वक देखना ये भी पूजा है, नैनों की पूजा है। प्रेम से सुनना कान से होने वाली पूजा है, प्रेम से गाना मुंह से होने वाली, जीभ से होने वाली पूजा है, और प्रेम से देखना ये नैनों से होने वाली पूजा है। सखी ये मुर्गी बड़ी भाग्यशाली। एक गोपी बोली, सखी मैं देख रही हूं इन देव वनिताओं को जो विमान में आकाश में आई है, श्री कृष्ण की वेणु को सुनती है, देह भान भूल जाती है और फिर कल्प प्रसून पुष्प की वृष्टि करती है भगवान पर। एक सखी बोली, अरे बहना मैं तो इन गायों को देख रही हूं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्यः श्रावास्मृतस्तनपयः कवलास्मतस्थुः गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। ये गाय घास चरना भूल जाती है जब कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, कान ऊपर करके कृष्ण की ओर देखती हुई, मुंह हिलना भी बंद हो जाता है उसका, और मुंह में आधे चबाए घास के तिनके यूं ही लटक रहे, और जैसे समाधि लग गई है गायों को, तो आंख बंद है, कान ऊंचे हैं, और कान के पुट में दोने में कन्हैया के वेणु नाद के अमृत को मानो भर भर कर वे पी रही हैं, समाधि लग रही हैं। और जो कान के पुट से वेणुनाद के अमृत को पी रही हैं गाय, वो कहां से प्रकट होता है? बोले उसके थन से दूध बन करके बह रहा है अपने आप, वही वेणुनाद का अमृत। हजारों हजारों गायों के थन से अपने आप दूध बह रहा है, और दूध की वो बहती हुई नदी यमुना जी में मिल जाती है। तो यमुना जी है श्याम, उसके ऊपर सफेद दूध की धारा, तो एक सफेद पूरा पट्टा तैयार हो जाता है, जैसे यमुना जी ने रेशमी सफेद साड़ी पहनी हो। किनारे पर खड़े हैं वृक्ष, चलती हवा में वे नाच रहे हैं, तो उन वृक्षों से पर्ण और पुष्प यमुना जी में गिर जाते हैं, यमुना जी के जल में। तो उन पर्णों और पुष्पों को अपने साथ बहाती हुई यमुना जी वो दूध की धवल साड़ी पहन करके श्रृंगार करके, मानो ये कृष्ण प्रेमिका श्रृंगार करके वह अभिसारिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हो, इस तरह से बह रही है यमुना जी। और जब अपने प्रियतम किनारे पर खड़े बांसुरी बजाते देखती हैं, वो मिलती है, दर्शन करती हैं, तो फिर अपने तरंग रूपी हाथों के द्वारा कमल खिलते हैं यमुना जी में, तो कमल रूपी उपहार को किनारे धकेल कर अपने प्रियतम को भेंट करती है। श्याम सुंदर आपको वंदन, भक्तवर चंदन आपको बारंबार वंदन। और क्या व्यास जी ने कल्पना की है कि ये जो तरंगे उठ रही है ना यमुना जी के जल में, तो ये यमुना जी की भुजाएं हैं, और भुजा इसलिए उठा रही है बार बार यमुना जी, मानो अपने प्रियतम को आलिंगन करना चाहती है, उत्सुक सी दिखाई पड़ती हैं। धन्य है ये यमुना। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावरत लक्षित मनोभव भग्न वेगा।
धीरी मंथर गति से यमुना जी बह रही हैं और तरंगे उठ रही है। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावरत लक्षित मनोभव भग्न वेगा। आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारे गृहणन्ति पादयुगलं गमलोपहारा। एक सखी बोली, प्रायो बताम अभिहका मनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणु गीतं आरुह्य ये द्रुम भुजां रुचिर प्रवालान् श्रृण्वन्त्य मीलित दृशो विगतान्यवाचः। सखी, वृंदावन के वृक्ष के घरोंदे में बैठे हुए इन पंखियों को मैं देख रही हूं। गरोंदे में पड़े हुए अपने बच्चों की चांच में चांच डाल के उन्हें चारा चुगा रहे हैं, लेकिन जब कन्हैया की बांसुरी बज उठती है तो सब कुछ भूल जाते हैं और गरोंदे में बैठे सिर उठाए कन्हैया की ओर देखते, कभी इस तरफ मुंह झुकाते, कभी इस तरफ मुंह झुकाते, कन्हैया को देख रहे हैं और इतनी प्यारी मधुर आवाज सुन करके वो खुद कुछ बोलना ही भूल जाती है। कोयल चिड़िया चहकना भूल जाती है कि इतनी प्यारी मधुर आवाज। सखी, ये पक्षी नहीं, प्रायो बताम अभिहगा मुनयो वनेस्मिन, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बहुत वर्ष पर्यंत नाक पकड़ करके जंगल में बैठे रहे, फिर भी कन्हैया की झांकी नहीं हुई, सो आज वृंदावन के पक्षी बन करके आए हैं नंद नंदन का दर्शन करने के लिए। प्रायो बताम अभिहगा मुनयो वनेस्मिन। वेणु गीत के एक एक श्लोक में कन्हैया की वेणु सुनाई पड़ रही है। गोपी बोली, सखी मैं वृंदावन पर मंडराए बादलों को देख रही हूं। सखी, ये बादल नहीं, ये वैष्णव है। जब कन्हैया गाय चराते हुए मुरली बजाते हुए वृंदावन में विहार करते हैं तो कन्हैया को धूप ना लगे इसलिए छाया करते हुए साथ साथ चलते हैं, जैसे कोई छत्र लेकर के पीछे पीछे चल रहा हो दास सेवक, उसी तरह छत्र छाया करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। और जब बहुत गर्मी होने लगती है कन्हैया को तो ये बादल धीरे धीरे बरसने लगते हैं, मानो कन्हैया पर अभिषेक कर रहे हो, हल्की बूंदा बांदी शुरू हो जाती है, गरजते हैं धीरे धीरे मानो स्तुति कर रहे हो, जय घोष कर रहे हो, बरस रहे हैं जैसे अभिषेक कर रहे हो। सखी, ये बादल नहीं वैष्णव है। हाँ, एक बोली, अरे हमसे तो ये बन की भिल्लनी ज्यादा भाग्यशाली, ये भिल्ल कन्या जब कन्हैया वेणु बजाते हुए निकलते हैं तो दर्शन करती हुई, अब आप दर्शन करिए जरा, कन्हैया बांसुरी बजाते हुए अपनी गायों के पीछे पीछे एक एक बढ़िया वाली तान छेड़ते हुए और पूरे वृंदावन को संगीत में नहलाते हुए चल रहे हैं,
और वो भिल्लनियां, वो छोटी भिल्ल कन्याएं झाड़ी के पीछे छुपी, कोई वृक्ष के पीछे छुपी और दर्शन कर रही है श्री कृष्ण का। हाथ पीछे है और चलती हुई, छुपती हुई साथ साथ चल रही है और छुपती हुई देख रही है कन्हैया को, दर्शन करती है कि हम तो उनको देखे, वो कहीं हमको न देख लें वरना बजाना बंद कर देंगे, चुपचाप सुनो। और जब कन्हैया वेणु बजाते हुए वहां से चले जाते हैं तो कन्हैया के चरण का लाल लाल कुमकुम हरी हरी घास पर लग जाता है, तो हरी हरी घास पर लाल लाल पद चिन्ह बने हुए हैं। जब कन्हैया चले गए तो जहां वे सब भिल्ल कन्याएं छुपी हुई थी वहां से निकली दौड़ी और वहां जाकर के हरी हरी घास पर श्री कृष्ण के चरण का कुमकुम जो लगा है वो वहां से छुड़ा के अपने ललाट पर और अपने हृदय पर उसका लेपन करने लगी। ये भिल्ल कन्याएं हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। हन्तायमत्रिरबला हरिदासवर्य यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, हन्तायमत्रिरबला हरिदासवर्य यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दर कन्दमूलै। एक गोपी बोली, सखी कन्हैया वेणु बजा रहे हैं और कन्हैया की गाय है चरती हुई, चढ़ जाती है घास चरती हुई गोवर्धन पर, और श्री कृष्ण और बलदाव अपनी गायों को वापस लाने एक हलधर और एक वंशीधर दोनों जब दौड़ते हुए चढ़ते हैं गिरिराज के ऊपर अपनी गायों को पुकारते हुए, अरे ओ गंगी ओ गौरी, और गिरिराज की कंदरा से प्रतिघोष उठता है और श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श के प्रमोद से, कन्हैया के चरण का स्पर्श हुआ तो गिरिराज गोवर्धन भी इतना प्रसन्न हो जाता है, सखी प्रसन्नता में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो गोवर्धन पर वृक्ष खड़े हैं ना, वो ये गोवर्धन के रोम खड़े हो गए और वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि सखी प्रेम के मारे आनंद के मारे वो रो पड़ता है, आनंद के अश्रु उसकी आंख से बहने लगते हैं। सखी ये शीतल शीतल जो झरने बह रहे हैं ना गिरिराज गोवर्धन से, वो उसकी आंख से निकलते हुए आनंद के आंसू है। फिर अपनी गुफा में श्री कृष्ण और बलदाव को बिठाकर कंदमूल फल आदि से उनका सत्कार करता है, सम्मान करता है, पूजा करता है। सखी ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत नहीं है, हरिदास वर्य है, भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। गा गो बगैर अनुमनम नयतो रुदार वेणुस्वनै कलपदैस्तनु मृत्सु सख्यः, अस्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरुणां निर्योग पाशपित लक्षण योर्विचित्रम्।
एवं विधा भगवतः या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयताम् ययुः। वेणुगीत गाती हुई भगवान की लीलाओं का वर्णन करती हुई गोपियां भगवान में तन्मय हो गई। चिन्मय में तन्मय हो जाना यही ध्यान है, वेणुगीत का वही प्रसाद है, वही फल है। यदि भगवान में तन्मयता चाहते हो तो वेणुगीत का पाठ करो।